बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि एंगल वैल्यूज ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर वन में साइन कॉस टेन की वैल्यू, क्वाड्रेंट नंबर टू में साइन कॉस टेन की वैल्यू, क्वाड्रेंट नंबर थ्री में साइन कॉस टेन की वैल्यू और क्वाड्रेंट नंबर फोर में भी साइन कॉस और टेन की वैल्यू हमने निकाली थी। तवज्जो दीजिएगा कि उस कार्टेशियन प्लेन पे हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाली। आप कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने भी अटेंड किया है कार्टेशियन प्लेन वाला, एंगल वैल्यू वाला, आज वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली समझ सकते हैं। पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी और उसमें है क्या, सारी कार्टेशियन प्लेन आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर्टी समझ आएगी। वरना जिस भी प्रॉपर्टी में पाई ए पाई बाई टू आ गया तो चक्कर लग जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो मसला ये होता है कि जब तक आप वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि किस एंगल की किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, वो जरूर देखिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, पहले प्रीवियस लेक्चर एक हो चुका, आज लेक्चर नंबर टू है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। समझिएगा बात को, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये पाई वाला क्या चक्कर है, जब प्रूफ करेंगे तो हम बताएंगे। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और सिक्स जो है cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse of x। तवज्जो दीजिएगा, इनमें से अब तीन पाई वाली है और तीन पाई के बगैर है, कोई सी दो प्रूफ कर लेते हैं, ये दो प्रूफ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले भी एक बार, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि साइन के अंदर माइनस थीटा आ जाए, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा आ जाए, टेन के एंगल में अगर माइनस आ जाए, कोसेक थीटा के अंदर अगर एंगल में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, सीकेंट एंगल में अगर अंदर माइनस आ जाए, या कॉट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो क्या किया जाता है, सुनिएगा। साइन के अंदर माइनस आ जाए तो ये माइनस साइन से पहले आ जाता है तो क्या बन जाता है, साइन थीटा। कॉस अपने माइनस को निगलेक्ट कर देता है तो क्या आ जाता है, प्लस कॉस थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, सीकेंट इनटू माइनस थीटा क्या हो जाता है, निगलेक्ट कर देता है माइनस को तो सीकेंट थीटा आ जाता है। बाकी जितने भी हैं उनका माइनस क्या आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है तो क्या बन जाएगा, माइनस का टेन थीटा। अब कोसेकेंट के अंदर माइनस है तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस कोसेकेंट थीटा, और कॉट के एंगल में माइनस है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक हो गया, प्रॉपर्टी नंबर वन प्रूफ करने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कैसे है, करना क्या है, तवज्जो दीजिएगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले और उसे लेट भी कर लें कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेट किसके बराबर कर दें, वाई के, किसके बराबर कर दिया, वाई के। माइनस एक्स एंगल वाला यहीं पे पड़ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइड पे जाके क्या बन जाएगा, साइन वाई, क्या बन गया, साइन y। अब इस माइनस को अगर मैं घुमाऊं इस साइड पे तो ये माइनस इधर आगे क्या, माइनस साइन y बन जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस साइन
वाई। अब तवज्जो दीजिएगा कि साइन के जो बाहर माइनस होता है, तवज्जो दीजिएगा साइन के जो भी बाहर माइनस होता है, ये देखिए जरा साइन के बाहर अगर माइनस हो तो क्या वो साइन के एंगल में शामिल होता है यहाँ पे? बिल्कुल होता है। साइन के जो एंगल में माइनस हो वो साइन से बाहर आ जाता है, और साइन के जो बाहर माइनस हो वो एंगल के अंदर जा सकता है। तो एक्स का एक्स आ गया, ये साइन का साइन आ गया, इस माइनस को मैं वाई के साथ लगा रहा हूं तो ये जो माइनस है वो एंगल में चला गया, तो क्या आ गया माइनस का वाई। इस साइन को मैं इस साइड में अगर ले आऊं, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, क्या यहां बन जाएगा साइन इनवर्स। इस साइड पर कौन खड़ा है? एक्स, उधर कौन बचा? माइनस का वाई। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y किसके बराबर है? sin इनवर्स ऑफ माइनस का x, यानी sin इनवर्स ऑफ x बराबर है sin इनवर्स ऑफ ये माइनस का, ये माइनस आ गया, और y की जगह y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी है? sin इनवर्स ऑफ माइनस x। लेकिन गौर करें, हमें तो बराबर के इस साइड पे क्या चाहिए? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये चीज। तो ये माइनस को इस साइड पे ले तो क्या बन जाएगी? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये माइनस मैंने डिवाइड कर दी साइड, तो क्या बन गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, उधर कौन है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स sin inverse of minus x, left hand side is equal to right hand side। तवज्जो दीजिएगा property number 2, proof कर सकते हैं हम। कह रहा है कि cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x। ये pi वाला क्या हिसाब किताब है, देखिएगा जरा। left hand side ने left hand side, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको लेट कर दें किसके बराबर? y के। किसके बराबर हो गया? y के बराबर हो गया। अब सेम टू सेम, जैसे साइन को इस साइड पे ले आए थे साइन y हो गया था, उसी तरह cos इनवर्स को इस साइड पे ले आए माइनस एक्स नहीं आएगा, cos इनवर्स इधर आगे क्या बन जाएगा? cos y, क्या बन जाएगा? cos y। इस माइनस को जरा इधर ले आए, एक्स यहीं पड़ा रहे, ये माइनस इधर डिवाइड हो जाएगी, माइनस क्या बन गया? कॉस वाई। अब जरा गौर से देखिएगा कि कॉस के जो बाहर माइनस होता है वो एंगल में नहीं होता, इधर तवज्जो दे जरा। कॉस के जो एंगल में माइनस होता है वो यहाँ क्या बाहर है? नहीं है। कॉस अपने माइनस को निगलेक्ट कर देता है, तो यानी माइनस कॉस वाई को हम कॉस माइनस वाई लिख ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे बाहर माइनस होता तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख देते? कॉस इनटू माइनस थीटा, यानी कॉस के बाहर वाला माइनस एंगल में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस तो अपने माइनस को एंगल में निगलेक्ट कर देता है। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस वाई को क्या हम लिख सकते हैं? कॉस इनटू पाई माइनस वाई। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि cos into pi minus y, pi मतलब 180। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वो कार्टेशियन प्लेन वाली वो सारी वीडियो देखी है तो क्लियर कट आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए। देखिएगा मैं दोबारा ट्राई करता हूं, cos into pi minus y, pi minus, pi कहां बनता है? pi होता है यहां पे, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। पाई माइनस की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट नंबर, पाई से पीछे पीछे की बात हो रही है, पाई प्लस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, पाई माइनस यानी पीछे यानी क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब कॉस नेगेटिव होता है तो उसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए यहां नेगेटिव है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा कि क्या 180 में एंगल चेंज होते हैं? मैं डिटेल में ये बात सारी दोबारा बता रहा हूं, देखिए जरा इस साइड पे मैंने कहा था कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं,
यहां साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, यहां पे टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट पॉजिटिव होता है। अब तवज्जो दीजिएगा, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर 90 से पीछे, ठीक है, यहां पर दो एंगल बनते हैं, जीरो भी होता है और 360 भी होता है। हम बात कर रहे हैं पाई माइनस पाई हमने क्यों लिखा है। मैंने उस दिन बताया था कि 90 में और 180 में, 90 में और 270 में एंगल चेंज हो जाते हैं। 90 में और 270 में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि 90 और 270 में एंगल चेंज हो जाते हैं, साइन चला जाता है कॉस में, कॉट चला जाता है टेन में, और सेकंड चला जाता है कोसेकंट में, और कोसेकंट चला जाता है सेकंड में। 90 और 270 में एंगल चेंज हो जाते हैं, जबकि 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होते। लाजमी 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 आप पिछला लेक्चर अटेंड कीजिएगा, 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होते। तो जरा देखिएगा, ये अगर मैं इस चीज को यहां पे लिखूं, यहां 180 है, यहां 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या किया जाएगा, पाई माइनस, यानी पाई से पीछे पीछे और 90 से आगे, तो पाई माइनस। तो यहां पे अगर मैं लिखूं cos पाई माइनस थीटा, तो पाई पाई मतलब 180, 180 में एंगल चेंज नहीं होता, यानी वही cos का cos रहेगा। और बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो जरा ये देखें क्या लिखा हुआ है, sin, सेकंड क्वाड्रेंट में तो sin और cosecant पॉजिटिव होते हैं, cos क्या होता है नेगेटिव, इसलिए cos पाई माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस cos थीटा। तो आप मुझे आप बताएं माइनस cos y को लिख सकते हैं cos y माइनस y, cos y माइनस y। तो ये बात थी कि सारी डिटेल आपको दोबारा बताई मैंने, 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होता, तो माइनस cos y को लिख सकते हैं cos इनटू पाई माइनस y, पाई मतलब 180, 180 में एंगल चेंज नहीं होता, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस, पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और cos पाई माइनस क्वाड्रेंट में सेकंड की बात हो रही है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये खड़ा है नेगेटिव। तो cos को इस साइड पे ले, क्या बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, उस साइड पे कौन आ गया पाई माइनस y। अब हमें जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि माइनस वाई हमें इस साइड पे ले, क्या बन जाएगा प्लस वाई, ये पाई का पाई आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इस साइड पे आके माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दे, वाई किसके बराबर किया था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो वाई की जगह आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह प्रीवियस वीडियो सारी देख के आपका डिजिन प्लेन के एंगल को समझ के ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।